क्या हुआ भाया? कछु पता चला गुड़िया के बारे में? हाँ, पता लगा है। तारी लड़की हरी सिंह के पास है। हरी सिंह? दो दिन से फैक्ट्री भी रख रखा है उसने। हरी सिंह? देख भैया, तू तो हरी सिंह को जानते ही है और मैं भी अच्छे से जानता हूँ वो क्या चीज है। मुझे जो बन पड़ा मैंने कर लिया, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। देख ली भैया, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, ठीक है? मैं चलता हूँ, ठीक है? एक सलाह दूं भैया, बड़े लोगों से लड़के क्या हुआ, पुलिस के पास ना जाना पड़े तो ही बेहतर है। हाथ पांव जोड़ लियो हरी सिंह के, थारी छोरी वापस कर देगा। मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मालिक से मिलना था। चल। मुड़ी चोर इधर, चल चलो 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 चलो। रुको रुको, कहाँ भाग?
साले हराम साले, तेरी इतनी औकात कि तू यहाँ तक आ गया है? क्या करे वाले, मालिक हाथ छोड़ दे आपके साथ, ऐसा ना करो वाले, मालिक ऐसा ना करो वाले, मालिक हम बस अपनी गुड़िया वापस लाए वाले, मालिक ऐसा मत करो वाले, हम बस अपनी गुड़िया वापस लाए वाले, ऐसा मत करो वाले। देखिए मालिक, मालिक हम आपके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं मालिक, हमारी छोरी बहुत छोटी है मालिक, उसे छोड़ दिए मालिक, मालिक उसे छोड़ दिए मालिक। छोटी है, छोटी है, छोटी है, मैं बताऊं कितनी छोटी है, मैं बताऊं, बोल अब तू बताएगा कितनी छोटी है, हैं बोल। मालिक उसे अपनी गुड़िया वापस ले आए मालिक, मालिक हमें कोई झगड़ा नहीं करना है मालिक, मालिक मालिक हम गरीब लोग हैं मालिक, हमारी गुड़िया, हमारी गुड़िया हमारी इज्जत है, हमारा सब कुछ है, हमारी इज्जत हमको लौटा दो मालिक, हमारी इज्जत हमको लौटा दो, लौटा दो मालिक, हमारी इज्जत हमको लौटा दो मालिक, मालिक इज्जत, तू इज्जत की बात करेगा, इज्जत चाहिए तुझे, उतार दो तेरे भेजे में इज्जत, उतार दो, बोल उतार दो, बोल साला सुअर, तू करेगा साले इज्जत की बात। मालिक मालिक बात इज्जत की है, इसलिए आपके आगे हाथ जोड़े खड़े हैं मालिक, वरना वरना हम पुलिस के पास भी जा सकते थे। पुलिस ना, वरना तू पुलिस के पास चला जाता। चल एक काम कर ना, ये इज्जत का मामला नहीं, जा तू अब पुलिस के पास ही जा। नहीं मालिक, नहीं, क्या कह रहे हो मालिक, मालिक हमें नहीं जाना पुलिस के पास, मालिक बस हम ऐसी बात करके मामला सुलझा लेंगे मालिक, हमें अपनी गुड़िया वापस कर दो मालिक, हमारे बच्चे लौटा दो मालिक, पुलिस के पास नहीं जाना मालिक, नहीं जाना पुलिस के पास, ना 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 ना, अब तो पुलिस ही आएगी, अब पुलिस ही करेगी फैसला। ओ भाई सुरेंद्र मालिक, बंद कर भाई गेट, बंद कर, बंद कर, ताला ले गया, बंद कर, ओ बंद कर, पीछे का गेट बंद कर, बंद कर, लगा ताला, कोई ना जाएगा यहाँ से बाहर, लाड़े से हाथ से चले मारे जी जबान, इधर आ सुरेंद्र, इधर आ, कोई ना जाएगा फैक्ट्री से बाहर, बुला भाई दरगाह को बुला, फोन कर, फोन मिला दरगाह को, नहीं भाई नहीं भाई नहीं भाई भाई भाई, रिपोर्ट लिखवानी है ना, यहीं बुलाएंगे दरगाह को, यहीं लिखवा देंगे रिपोर्ट, अभी लगा, अभी लगाता हूँ। हाँ दरगाह जी, हरी सिंह जी की फैक्ट्री से बोल, अब फैसला हो ही जाए, हम भी तो देखें पुलिस सुनती किसकी है। मैं चाहता हूं कि इस गांव के हर एक मर्द के लिए मिसाल बना के छोड़ूं। साले बूढ़ी चोद, क्या हुआ, लगा फोन, बात करा मेरी दरगाह से,
सरकार नु मना करा, बाहर नहीं निकलना है घर से, लॉकडाउन चल रहा सी, तो कुड़ी नु बाहर क्यों भेजा? क्या अगवा हो गई? इज्जतदार लोगों को परेशान करते हैं बेटी चोत। अरे पाजी, वो कुड़ी है क्या यहीं पे? वो कुड़ी है क्या? अब वो आ गए तो थोड़ी फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ेगी ना, लिखा पढ़ी थोड़ी आपके हिसाब से ही करेंगे। है क्या पाजी? पाजी कुड़ी है क्या? कमरा में इसी कमरा में जरा बात करके आते हैं, बयान ले लें उसका, बच्ची का आपके हिसाब से ही लेंगे। कुड़ी नु साथ दुष्कर्म हुआ है। अब क्या करना है? रिपोर्ट लिखानी है क्या? हाँ सर, हाँ लिखानी है रिपोर्ट। हाँ सर, लेकिन क्या लिखेंगे रिपोर्ट में? लिखेंगे क्या आप? कहने से हो जाएगा कुछ? अरे साहब है, कोई बदमाश है कि तुम्हारी लड़की अगवा करेंगे? बस इल्जाम लगा दिया, पूरा भेजा। बैठो नीचे, बैठो, बैठाओ इसे।
ये तो कुड़ी बताएगी, कुड़ी का बयान लिया जाएगा तो वो बताएगी कौन है हैवान। तो तुम्हारे कहने से थोड़ी ना हो जाएगा कोई हैवान। बाजी को कह दिया हैवान, अरे इज्जतदार लोग हैं। जाओ कुड़ी को लेके आओ, जाओ कमरा में जाओ, जाओ गुड़िया। ए गुड़िया, किसने परेशान किया? हाँ बोलो, किसने परेशान किया? बताओ बेटा, बोलो कौन था बताओ? डरो नहीं बेटा, बताओ। हाँ बापू। ये क्या कह रही है, पागल हो गई क्या? बापू का नाम क्यों ले रही है? बोल। माँ मुझे बापू से डर लगता है, माँ मुझे बापू के साथ अकेले मत छोड़ दो। पकड़ो इसे। गुड़िया 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 मुझे माफ कर दे, गुड़िया गुड़िया मुझे माफ कर दे, गुड़िया गुड़िया ले जा इसे, गुड़िया गुड़िया मुझे माफ कर दे, गुड़िया गुड़िया मुझे माफ कर दे। माफ करना पैण जी, अगर मैं एक कदम ना उठाता तो शायद गांव की हर गुड़िया की तरह इस गुड़िया की कहानी भी इज्जत के नाम पर घर में ही दबके रह जाती। मुझे माफ करना। भारत में हर 5 मिनट में एक बच्चा यौन शोषण से गुजरता है। रोजाना करीब 130 बच्चे इस हैवानियत की चपेट में आते हैं। 100 में से केवल 9 बच्चे अपने साथ हुए इस शोषण के बारे में किसी को बता पाते हैं, जबकि अधिकांश समय दुर्व्यवहार करने वाले माता पिता ही होते हैं। इस कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के दौरान ऐसे मामलों में 68% की वृद्धि हुई है।